किसी ने सच बोला है, अगर इतना पसीना हो के खाना सब्जी बनाने का बाद क्या सब्जी है बोलने से ना बहुत गुस्सा आता है। बट थैंक गॉड कि हमको कुकिंग आता है, इतना जैसे नहीं मेहनत करना पड़ता है, इतना पसीना, उसके बाद बोलता है कि क्या सब्जी है, ऐसे वाला सब्जी रोज रोज कौन खाएगा, कल भी तो खाया था, आज भी तो खाया था, फिर से ऐसे वाला बोलने मिल जाओ ना, मैं तो उसको कुछ बट गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर मैं आज क्या खाया ये आपको दिखाती हूँ। मैं मार्केट गई थी, एक्चुअली मार्केट नहीं है, ये सेक्टर वाला है, जस्ट मेरा घर का पास है। यहाँ से मैं गई और मैंने लिया मछली। ये मछली का नाम प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताना, मुझे पता है आपको पता है कि नहीं है। तो मैं घर आके इसको धोया, बहुत अच्छे से साफ सुथरा किया है। एक्चुअली जितना इसका गिल्स ये सब होता है वहाँ निकल दिया था। उसके बाद मैं इसको छोटा छोटा पीस में ऐसे कट किया है ताकि जितना मसाला वो सब अंदर घुस सके। और ये मछली इतना फ्रेश वाला मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं इसको बहुत छोटे छोटे पीस में मैं इसको गात बना रही हूँ ताकि सब मसाला जितना है वो अच्छा से इसका अंदर आके ये जितना फ्रेश नहीं होने से भी खाने के लिए अच्छा हो। एक्चुअली हमको मार्केट जाना था पर ज़्यादा लेट हो गया था इसलिए मैं नहीं गई मार्केट। तो मैं यहाँ दिया नमक, हल्दी और मिर्चा, और मैंने यहाँ थोड़ा सा फिश करी का जो मसाला होता है वो दिया है। उसके बाद इसको अच्छा से रगड़ा ताकि इसका अंदर घुसने के लिए, जितना मैंने इसको छेद छेद किया था उसका अंदर मसाला अच्छा से घुसने के लिए। उसके बाद मैं इसको अच्छा से सबको ऐसा करने के बाद मैंने 5 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसको हल्का तेल, ज़्यादा मैं माउंट में तेल डालना पसंद नहीं करती। उसके बाद आप देख सकते हो साथ साथ में मैं खाना भी बना रही हूँ, और खाना ना जब भी बनाती हूँ मैं गर्म पानी से बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है मेरा गैस बच जाता है और खाना बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए मैं गर्म पानी सबसे पहले प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद ही खाना सब्जी बनाती हूँ। मैं ठंडा पानी से कभी भी खाना को यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, जब लाइट नहीं होगा तब ऐसा हो जाता है कभी कभार, लेकिन। और ये मछली फ्राई बन के रेडी है, आप लोग देख रहा होगा, मतलब इतना अच्छा से नहीं है क्योंकि फ्रेश नहीं था। उसके बाद मुझे ना मरसा खाने मन था, ये मेरा भाषा में मरसा बोलता है, नहीं तो नहीं मेरा भाषा लाइक हम लोग का ट्राइब में मरसा मरसंग ऐसे बोलते हैं, और आप लोग का ट्राइब में क्या बोलते हैं वो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। उसके बाद ये मेडिसिनल प्लांट भी है, आप इसको देख सकता है, ये मैंने गूगल से लिया है। तो आप जिस को ऐसा लगता है कि ये जस्ट एक पत्ता है तो आप इसको गूगल में सर्च कर सकता है, ये मेडिसिनल प्लांट है। और इसको मैं घी का साथ बनाने जा रही हूँ, जस्ट घी थोड़ा सा डाल के, अच्छा लगता है वो घी का स्मेल जब आता है, घी और टमाटर थोड़ा सा दे के। और इसके बाद इसमें मैं ज़्यादा क्या कुछ भी मैं इसमें मसाला यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसको मैं मसाला का बिना ही करूँगी। घी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट तो आता ही है, प्लस घी का जो स्मेल है ना वो बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो उसके बाद मैं ना इसमें मिर्चा भी 3 डाला, और ये मिर्चा जो है लोकल मिर्चा है इसलिए बहुत ही जाल है। और पहले जैसे मैंने बहुत सारा वीडियो में ऐसा बताया था कि जब भी मैं फ्राई बनाती हूँ ना, सबसे पहले मैं जीरा या फिर ये जो सौंफ होता है वो मैं डालती हूँ, क्योंकि ये हम लोग को डाइजेशन करने में मदद करता है। उसके बाद टमाटर डालने के बाद मैं हमेशा नमक डालती हूँ, क्योंकि ये टमाटर को गलने में मदद करता है, इसलिए मैं इसको डालती हूँ। तो ये मैं अभी इसमें जितना पत्ता सब्जी है वो मैं डाल रही हूँ। और आप लोग का साथ भी ऐसा होता होगा, मेरा साथ तो हमेशा ऐसा होता है, जब भी मैं मछली फ्राई करती हूँ ना तब पूरा गैस गंदा हो जाता है। और ये मेरा करेला जो ना बहुत दिन से रखते रखते ऐसा होता है कि सब्जी इतना ज़्यादा लेके रखने से क्या को खाएगा क्या को खाएगा ऐसा होता है। तो किसी ने मुझे ऐसा भी बोला था कि इवनिंग को केरला नहीं खाना चाहिए, बट आई लव केरला, मुझे ना इतना पसंद है। और ये केरला को मैं ऐसे राउंड राउंड करके खाना पसंद है, उसके बाद फिर इसको नींबू निचोड़ के डालना,
इतना अच्छा लगता है। नींबू का फ्लेवर तेंगा थोड़ा सा आता है, प्लस या इसका जो खट्टा होता है वो ऑलमोस्ट चला जाता है। उसके बाद आप लोग को ऐसा होता होगा, ये अंदर का जो बीच होता है उसको निकालना चाहिए सोचता होगा ना, मुझे तो इसको नहीं निकालना है क्योंकि मुझे इतना पसंद है। जो क्रंची होता है ना फ्राई करने के बाद, मुझे इतना पसंद है। इसको नींबू और नमक डाल के उसके बाद मैं इसमें यूज़ करती हूँ मैगी मसाला। हाँ, आई लव इट। मैगी मसाला इतना अच्छा है, पता है आप लोग भी यूज़ करता होगा, और जो जो यूज़ नहीं किया उसको यूज़ करके देख सकते हैं, फ्लेवर इतना अच्छा आता है। उसके बाद मैं इसको 10 मिनट्स, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया। और उसके बाद मैं इसको अभी तेल में इसको तेलने देगा, बिना पूरी की तरह देख सकते हैं मेरा गैस इतना गंदा है क्योंकि ये सब ऑयल जो है ना मछली का वजह से हुआ है, मछली जब भी फ्राई करते हैं। और हो गया मेरा 10 मिनट्स, अभी हम इसको फ्राई करेगा। पता नहीं आप लोग केरला को कैसे बनाता होगा, मैं भी इसको ना केरला को बहुत सारा आइटम मैं इसको बनाने आती हूँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा इजीएस्ट ये लगता है, ये बीच लुक जितना है ना इतना क्रंची होता है। तो आज का डिनर रेडी है, अब हम बताएं। ये मेरा फेवरेट केरला ड्राई फ्राई, सब बताइए ये ना रोटी को आदमी पेकता है ना, लेकिन हमको इतना अच्छा लगता है। तो और ये है आलू और ये मूला का मूली, मूला मूली जो भी इसका पत्ता। और ये मेरा फ्रेंच फ्राई, उसके बाद लेमन, और ये है वो वाला पट्टा, इसको हम बाद में दिखाएगा, ये एक्चुअली मेडिसिन प्लांट है। बस आज के लिए इतना ही है, बस इतना ही है।